तो नमस्कार स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस में अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं तो वो आपको हुक में लटका देंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप ये नहीं समझिए कि इसके कॉन्सेप्ट को मैं जानता हूँ तो उसको सॉल्व ही मैं कर लूँगा। आप सावधानी से चलिए। इसीलिए मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कहा जाता है, जबकि मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। आप इसको इसके तरह से नहीं चलते हैं, आप इसको अपने तरह से लेके चलते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। प्रिंसिपल, थ्योरी और जितना कंसेप्ट है, अगर आप उसको सही तरीका से फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। डॉक्टर आर डी शर्मा साहब, उनके बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कभी भी किसी को भी परेशानी में डाल सकते हैं, और इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनके बुक को बहुत लाइक करता हूँ और उनका बहुत आदर करता हूँ। बहुत विद्वान पर्सन है वो। तो आज उन्हीं के बुक से लिया गया एक क्वेश्चन है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं, और उस पर से अगर ये बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने की बात कही जाए तो ज्यादा बड़ी परेशानी आपके सामने आ जाती है। लेकिन सही तरीका से चलिए, प्रोसेस को साथ लेके चलिए, सॉल्यूशन क्लियर होगा। dx plus cy is equal to a plus b। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है इस क्वेश्चन में? जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टॉपिक है, टर्म है, वो टर्म ये जो आप एनएच देखते हैं, नेशनल हाईवे की तरह ये बना हुआ है, यहां से यहां तक लगता है जैसे कि हम लोग एनएच 84 पे चल रहे हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम करता है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सावधानी से पहले सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद प्रोसेस को चलें, सॉल्यूशन बनेगा। इक्वेशन नंबर वन इसको हम लोग रख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, शायद कहीं पर मैं शॉर्टकट भी चलूं तो आप मैनेज करना। अगर नहीं समझ में आए वीडियो तो कमेंट में लिखोगे, 13 बार बदलाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, प्रॉब्लम है टू में। तो इसको लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे सॉल्यूशन में। एक्स और इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी से डिवाइड करने पर ए प्लस बी बचेगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी बचेगा, माइनस ए प्लस बी से डिवाइड करने पर ए माइनस बी बचता है, उसको वन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए, और माइनस प्लस बी। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, पॉइंट नोट करोगे। प्लस सी वाई, फिर इसको सावधानी से इसका एलसीएम ले लेते हैं। जरा सा ये उल्टा दिया है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए डॉक्टर साहब ने इसको थोड़ा पेचीदा बना दिया है। वो क्या किया, तो b माइनस ए उन्होंने दे दिया। अब इसमें स्टूडेंट फंसेगा ही, लेकिन b माइनस ए और b प्लस ए लिखा, और फिर क्या किया, b माइनस ए से डिवाइड किया तो b प्लस ए, उसको हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और माइनस बी प्लस ए से डिवाइड करते हैं तो बच जाता है बी माइनस, और बी माइनस ए से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए। कह सकते इसको फिलहाल रहने देते हैं, इज इक्वल टू टू ए बाय ए प्लस बी।
यहां पर कैंसिल होने वाला टर्म है, ए और ए कैंसिल कर देते हैं, बी और बी इसको भी कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। दैट इंप्लाइज ए एक्स, और यहां पर क्या बचता है, बी प्लस बी टू बी, तो हम लोग इसको लिख देते हैं टू बी बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर दूसरा टर्म यहां पर ए प्लस ए टू ए बचता है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर जहां पर कि स्टूडेंट गलती करते हैं, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट करो, यहां पर गलती होती है, बी माइनस ए है, यहां ए माइनस बी है, ये प्रॉब्लम करेगा। जनरल स्टूडेंट क्या करता है, इसी को लेके चल देता है, लेकिन नहीं, यहां पर एक ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक क्या है, इसको हम लोग लिख देते हैं ए माइनस बी, क्योंकि इससे मिल जाएगा हमको ए माइनस बी। लेकिन जब बी माइनस ए को ए माइनस बी हमने किया, तो इस साइन को चेंज करके हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, ये आ गया सी वाई इंटू ए प्लस ए टू ए, और फिर इसको ए माइनस बी लिख देते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि दोनों टर्म्स सेम हो जाए, एलसीएम लेने में अच्छा रहेगा, और इसको लिख देते हैं टू ए, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, टू ए बाय ए प्लस बी। अब यहां पर देखते हैं, टू टू और टू कैंसिल हो गया, ठीक। फिर यहां पर से ए और ये ए, ये भी कैंसिल हो जाता है, नीचे में ए प्लस बी ये वाला, फिर ए प्लस बी ये वाला, और फिर ए प्लस बी ये वाला, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड की तरफ हमारा सिर्फ वन बच जाता है। अब इसको लिखते हैं ए माइनस बी, और ए माइनस बी एलसीएम ए माइनस बी ही होगा, ए माइनस बी एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में जो है न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर को सिर्फ उतार देते हैं, तो बच जाता है b इंटू एक्स बी एक्स, और ये साइन माइनस देंगे, और यहां पर है सी वाई, सी वाई इज इक्वल टू यहां पर इस साइड वन बचा हुआ है, टोटल कैंसिल हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा आता है बी एक्स माइनस सी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये वाला टर्म को इधर ले आते हैं जिससे कि वो जनरल फॉर्म में आ जाए। जनरल फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, अगर जनरल फॉर्म में नहीं लाओगे तो कहीं ना कहीं गलती करोगे ही, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे कि इक्वेशन को उसके सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म जो है उसमें उसको लाओ। जनरल फॉर्म में लाने के साथ ही वो बहुत हल्का लगता है, तो ये हम इसको ले आते हैं यहां पर बी एक्स माइनस सी वाई, और माइनस ब्रैकेट में रखेंगे इसको ए माइनस बी इज इक्वल टू जी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री, बल्कि एक्चुअल में यही इक्वेशन और इक्वेशन वन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन वन को हम इस तरह से लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी वाई, और ये ए प्लस बी को इस साइड लाते हैं तो माइनस साइन के साथ लिख लेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से ऐसा हम लोगों ने इसको लाया है, ठीक। अब यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यहां पर प्रोसेस से चलो, सावधानी रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जिस समय हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका तरीका यह है कि किस तरह से तुम नंबर वन को लेते हो। अगर वन इस तरह से लेते हैं
तो हम लोग टू को इस तरह से लेंगे और थ्री जिस तरह से वन लिए थे उसी तरह से थ्री लेंगे। ये जो सिंबल है इसको बगल में लिख लो सावधानी से, और ऐसा लिखने से क्या होगा कि गलती तुमसे नहीं होगी। अब यहां पर क्या करते हैं, दूसरी बात हम बतलाए थे कि लिखेंगे हम लोग एक्स बाय, जब एक्स का वैल्यू लिखना है तो एक्स को ढक देंगे ठीक, और नंबर वन इस तरह से है तो ये इस तरह से जाएगा तो सी इंटू इतना, तो माइनस साइन है माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख लेते हैं, माइनस अपने मन से देंगे और फिर इधर से चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस सी रह जाएगा, सी इंटू ए प्लस बी, सी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया हमारा एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। y ले लेते हैं तो y लेंगे तो अब y में हम लोग क्या करते हैं टू नंबर, तो इधर से चलना है y को ढक देंगे और इधर से ऐसे चलेंगे, ये वाला सिंबल है हमारा, तो ऐसे जब चलेंगे तो b इंटू माइनस ए प्लस बी यानी साइन माइनस लेंगे, माइनस b इंटू ए प्लस बी और फिर माइनस अपने मन से देते हैं और ये इस तरह से लिए थे फिर ऐसे लेंगे तो इसका माइनस साइन है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी, ये हो गया और फिर इक्वल टू वन बाय, फिर थर्ड नंबर में हम लोग जैसे वन में ले लिए थे उसी तरह से लेंगे, इस तरह से चलेंगे इसको ढक देंगे b इंटू सी माइनस बी सी और फिर माइनस अपने मन से देते हैं और फिर ये वाला ढके हैं c इंटू बी, ये bc ही होगा लेकिन माइनस bc, अब इसको सॉल्व करेंगे सावधानी से, बिल्कुल केयरफुल होकर सावधानी से इसको सॉल्व करो जरूर बनाओगे, x बाय माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस bc फिर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी फिर ए इंटू सी माइनस ए सी और माइनस प्लस माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई वाला लेते हैं तो वाई लेंगे, यहां पर सावधानी रखना है ए इंटू बी माइनस ए बी, बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर और ए खत्म हो गया प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए बी और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी और ये माइनस बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस टू बी सी। अब यहां पर कुछ कैंसिल होगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, यहां पर माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, बहुत हल्का हो गया, एक्स बाय दैट इंप्लाइज x by minus ac minus ac minus 2ac is equal to y वाला लेते हैं, y में आएगा minus b square minus b square minus 2b square minus 2b square is equal to 1 by minus 2bc, ये हमारा आ जाता है, तीनों में माइनस है माइनस कैंसिल, माइनस प्लस प्लस ही कैंसिल हो गया, तीनों में टू भी है टू भी कैंसिल कर देते हैं, टू 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 कैंसिल, अब कैंसिल होने का कोई गुंजाइश नहीं है, एक्स इज इक्वल टू, जगह की कमी है पहले ही बताया था मैंने, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ये एसी लास्ट वाला वन के ऊपर आ जाएगा वन के साथ आ जाएगा तो एसी बाय हो गया बीसी, ये सी सी कैंसिल हो गया इज इक्वल टू ए बाई बी, ये एक्स का वैल्यू हमारा होगा। वाई निकालते हैं तो वाई इज इक्वल टू
यहां पर y वाला b स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा, तो b स्क्वायर बाय bc, तो एक b और ये कट गया है इज इक्वल टू b बाय c, ये दूसरा आंसर हमारा इसका आता है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, केयरफुल कहां पर रहना है। तो ये वाला जो इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त काफी सावधानी रखनी होगी, इसको सावधानी से सॉल्व करो और फिर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो उस तरह से करो, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक सजेशन मैं दूंगा तुम लोगों को कि डॉक्टर साहब की बुक को जरूर पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। इसलिए अच्छी किताब है क्योंकि इस बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रेशर डालवाता है, और जो रेस्टिंग यहाँ पर पोजिशनिंग होता है, जो रेस्ट रहता है उसको झाड़ता है। दूसरी बात है कि इनके बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोग सावधानी बरतना भी सीख लेंगे। किसको सावधानी कहते हैं तो आप सीखेंगे। ठीक, आज इतना सा ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक धमाकेदार सवाल के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत।